नमस्कार, टीवी 100 में आपका स्वागत है और मैं वीरेंद्र गुप्ता। आज समूचे उत्तर प्रदेश में दोबारा योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री पद का ग्रहण शपथ लेने के बाद जिस तरीके से श्री राम जन्मोत्सव का जो कार्यक्रम जनपद मिर्जापुर में मनाया जा रहा है, उसके पीछे की जो मंशा रही है और जो इस कार्यक्रम के जनक के रूप में जाने जाते हैं, संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं, श्री राम जन्मोत्सव शोभा यात्रा आज सिर्फ पूरे पूर्वांचल में नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में जाना जाता है और माना जाता है। हमारे साथ इस कार्यक्रम के संस्थापक मनोज श्रीवास्तव जी भी मौजूद हैं। हम आपसे सीधे जानने का प्रयास करेंगे कि ऐसे भव्य और दिव्य कार्यक्रम के पीछे क्या मंशा रही है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम करोड़ों करोड़ हिंदुओं के हृदय में निवास करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने जो जीवन जिया है, जो समाज के लिए किया है, वह संदेश जन जन तक जाए, यह राम जन्म महोत्सव का प्राकट्य दिवस, इसके पीछे का हेतु यही है। यह समाज जो आद और अनाद काल से मनाता आ रहा है, उसके पीछे का यही संदेश है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की सात्विक वृत्ति को हम आत्मसात करें। जो रावणी वृत्ति है, राक्षसी वृत्ति है, उसका हम शमन करें, राम के सदमार्ग पर हम आगे बढ़ें, यही श्री राम जन्म महोत्सव शोभा यात्रा समिति का संदेश है। विश्व हिंदू परिषद के श्रद्धेय अशोक सिंघल जी ने श्री राम जन्म महोत्सव शोभा यात्रा जब संपूर्ण देश के अंदर मनाया जाए इसका आह्वान किया था, उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया था कि हिंदू समाज आदि और अनादि काल से श्री राम जन्म महोत्सव को मनाता आ रहा है, लेकिन जो राम भक्ति है, जो सड़कों पर दिखलाई पड़ती है, जो गांव से लेकर नगर तक हिंदुस्तान के हर गली, हर सड़क, हर नगर, हर चौराहे पर जो दिखलाई पड़ता है, या राम भक्ति राष्ट्रभक्ति बन जाए, या राम भक्ति हिंदू शक्ति बन जाए, या राम भक्ति देशभक्ति बन जाए, या राम भक्ति जन जन की शक्ति के रूप में खड़ी हो जाए, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जो नैतिकता का उच्च मानदंड स्थापित किया है, समाज उसे आत्मसात करे, इसीलिए बहुत बड़े पैमाने पर श्री राम जन्म महोत्सव मनाने का आह्वान हुआ था। आज के 20 वर्ष पूर्व मिर्जापुर नगर के अंदर श्री राम जन्म महोत्सव की शोभा यात्रा की जब स्थापना की गई थी, उसके पीछे का हेतु यही था कि रावणी वृत्ति का शमन हो और राक्षसी वृत्ति समाप्त हो इस देश के अंदर। आज रावण कोई व्यक्ति नहीं है, आज रावण एक प्रवृत्ति है, आज रावण एक संस्कृति है, आज रावण एक विकृति है। वह रावण जिंदा जिंदा होता है कभी जिहादी आतंकवाद के रूप में, कभी जिंदा होता है पिद्दी पापी पड़ोसी पाकिस्तान के रूप में। संपूर्ण देशवासियों का आह्वान है कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने जिस सदमार्ग पर चल करके रावण का अंत किया था, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम 14 वर्ष वनवास के माध्यम से सबरी माता के जब घर जाकर के जूठे बेर खाए थे, तो ये नहीं इसलिए नहीं खाए थे कि उन्हें बहुत भूख लगी थी, इसके पीछे संदेश था कि इस देश के अंदर एक राजवंश भिल्ली के घर भी जा सकता है, इस देश के अंदर जातिवाद कभी नहीं रहा है। इस देश की धरती पर आज जो लोग जातिवाद के नाम पर भारत माता की छाती में जातिवाद का खंजर घोप करके अपनी राजनीति की दुकान चलाते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से संदेश ले, जातिवाद के इस जहरीले नाक को राष्ट्रवाद के पिटारे में बंद करें, यही रामनवमी का संदेश है, यही राम जन्म महोत्सव का संदेश है। ठीक है मनोज जी, तमाम लोग ये भी जानना चाहते हैं कि जब इसकी शुरुआत आपने की थी, एक वक्त था तो शायद 200 से भी ज्यादा लोग नहीं आते थे उसमें, क्या इसका राजनीतिकरण भी हो गया जिसका ये असर है कि आज लाखों लोग आपके एक आह्वान पे, एक कार्यक्रम पे, आपके संरक्षण के अंतर्गत लाखों लोग पूरा नगर जैसे निकल पड़ा है, इसके पीछे क्या मेन चीज? देखिए, जब आज के लगभग 20-22 वर्ष पूर्व मैंने इसको शुरू किया था, उस समय 100 से कम संख्या थी, और जब हम निकलते थे तो लोग हंसते थे कि रामनवमी पे देखिए ये शोभा यात्रा लेकर के निकले हैं, इनके पास लोग नहीं हैं, इन्हें शर्म नहीं आती,
तो मैं उनको जवाब देता था मुझे शर्म नहीं आ रही है, लेकिन आपको शर्म आ रही हो तो आप इस शोभा यात्रा में आप सम्मिलित हो जाइए। और जो मैंने आपसे कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रति जो भक्ति है, उस भक्ति का जो प्राकट्य हुआ, जो जागरण हुआ, इसके लिए कार्यकर्ताओं ने, यहाँ की जनता ने बहुत मेहनत की है, बहुत साधना की है, उसके कारण यह राम भक्ति सड़कों पर दिखलाई पड़ती है। इसका कोई राजनीतिकरण नहीं हुआ है। क्या दोबारा मुख्यमंत्री का पद योगी आदित्यनाथ ने जो लिया है उसके भी ऊर्जा का संचार यहाँ दिख रहा है इस कार्यक्रम में? देखिए, ये तो सत्य है कि राम भक्तों की आकांक्षा के अनुरूप उत्तर प्रदेश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर यशस्वी मुख्यमंत्री पुनः सत्ता की बागडोर संभाले हैं, यह तो एक संदेश है ही। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ये लगातार यह राम जन्म महोत्सव में जनसैलाब लगभग 2 लाख के आसपास रहता है, तो उसको इससे नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन भगवान श्री राम के आस्था से इसको जोड़ना चाहिए, भगवान श्री राम की भक्ति से इसको जोड़ना चाहिए। क्या आपको लगता है कि इसमें सभी राजनीतिक दल के हिस्सेदारी होती है, या उसमें लीडर शामिल होते हैं, या इसको जो है भगवाकरण कर दिया गया इस पूरे कार्यक्रम का? देखिए, जब इसकी शुरुआत हो गई थी तो हमने राम जन्म महोत्सव शोभा यात्रा समिति का जब गठन किया था, मैं विश्वेंदु परिषद का प्राण संगठन मंत्री था, लेकिन जब इसका मैंने गठन किया तो उस समय सपा बसपा ऐसे कांग्रेस की दीवारों को ढहा करके मैंने इसका गठन किया था, और सभी ऐसे क्षेत्र जाति और पार्टी से ऊपर उठकर राम जन्म महोत्सव शोभा यात्रा में लोग सम्मिलित होते हैं। भगवान श्री राम के प्रति सबकी आस्था और भक्ति है, वह करोड़पति हिंदू होगा, कौड़ीपति हिंदू होगा, महलों में रहने वाला हिंदू होगा, झोपड़ी में रहने वाला होगा, कांग्रेसी हिंदू होगा, सपाई हिंदू होगा, बसपाई हिंदू होगा, भाजपाई हिंदू होगा, सबकी श्रद्धा भक्ति भगवान श्री राम के प्रति एक समान है, उसी लिए यह जन सैलाब सड़कों पर दिखलाई पड़ता है। लोग ये भी कहते हैं कि क्या धर्म ये कहाँ तक कहता है कि अस्त्र और शस्त्र का प्रदर्शन हो? आज लाखों लोग अपने हाथों में जो है जिस तरीके से शस्त्रों का प्रदर्शन कर रहे हैं, इसको कैसे जोड़ के देखते हैं, ये क्या संदेश देता है? देखिए, हमारे जितने भी देवी देवता हैं सब शस्त्रधारी हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम धनुर्धारी हैं, हमारे योगेश्वर नटवर भगवान कृष्ण सुदर्शन चक्रधारी हैं, हमारे भूत भावन भोलेनाथ त्रिशूलधारी हैं, हमारे हनुमान जी गदाधारी हैं, हमारे जितने भी देवी देवता हैं सभी शस्त्रधारी हैं, इसलिए शस्त्र का प्रदर्शन आज के दिन यदि हो रहा है तो कोई गलत नहीं है। ठीक है मनु जी, एक अंतिम सवाल, लाखों लोग आज इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं आपके भव्य शोभा यात्रा कार्यक्रम में, आपको लगता है कि कुछ इसमें संगीत और गीत के माध्यम से भी कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, कौन से संगीत का प्रयोग करना चाहिए, क्या ये भी कुछ दिशा निर्देश जारी होता है क्या आपके यहाँ से? देखिए, हम लोगों ने श्री राम जन्म महोत्सव शोभा यात्रा समिति के तरफ से स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी प्रकार से भद्दे और फूहड़ ऐसे भजन या गीत या संगीत या किसी की आत्मा को ठेस पहुँचे ऐसे नारे या ऐसे संगीत नहीं बजने चाहिए। अगर कहीं कोई इस प्रकार का बजाने का प्रयास करेगा तो उसको वहीं पर रोका जाएगा, यह हम सबका प्रयास है। कौन कौन से लोग इसमें इस कार्यक्रम में इसको सफल बनाने में लगे हैं? देखिए, बहुत बड़ी टीम है कार्यकर्ताओं की, लगभग 1000 कार्यकर्ताओं की टोली इसमें विगत 15 दिन से लगी हुई है, तब आज वो स्वरूप दिखलाई पड़ रहा है। इस बार इस समिति के संयोजक आनंद जी हैं, अध्यक्ष जो है रवि प्रकाश जी हैं, प्रभारी मनोज दमकल जी हैं, मंत्री मयंक गुप्ता जी हैं, सुरक्षा प्रमुख राहुल बरनवाल जी हैं, एक बहुत बड़ी कार्यकर्ताओं की टोली लगी है। और आपको जानकारी के लिए बता दें, प्रशासन तो अपनी सुरक्षा में लगा ही है, लेकिन हमारी इंटरनल व्यवस्था जो सुरक्षा की है, लगभग 500 कार्यकर्ताओं की टीम सिर्फ सुरक्षा के लिए लगाई गई है इसमें। ठीक है, तो हमारे साथ जिस तरीके से बेबाकी के साथ मनोज श्रीवास्तव जी ने समूचे कार्यक्रम की रूपरेखा बताई है, निश्चित रूप से आज नगर के कई क्षेत्र में विशेष जो मार्ग है उस क्षेत्रों में लोग देख पा रहे हैं इस शोभा यात्रा को, और एक ऐसे वक्त पे कि लाखों लोग स्वेच्छा से भी इस शोभा यात्रा का अगुवाई करने के लिए तैयार हैं। जगह जगह जिस तरीके से लोगों ने माल्यार्पण किया, पुष्प वर्षा किया, निश्चित रूप से समूचे उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर का ये कार्यक्रम निस्संदेह अद्वितीय और अत्यंत सराहनीय माना जा रहा है।
मिर्जापुर से टीवी 100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।